me, cause I'm working on my energy. Cleaning up, I'm taking care of all myself and me. Drinking coffee, take a sip, they say I'm sparkling. Manifest, I write it down, you know it's happening. पहले आईफिल टावर देखने पेरिस जाना होता था, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने अमेरिका जाना होता था, बट अब ऐसा नहीं रहा क्योंकि पूरी दुनिया आती है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज प्रीति यादव और आज हम जा रहे हैं पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टैचू जो कि है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल पे बनाया गया है और ये है गुजरात में। सो लेट्स बिगिन विद द व्लॉग। एट प्रेजेंट है हम बोरोवली स्टेशन और मैं आपको बताऊंगी कि सबसे बेस्ट वे क्या है स्टैचू ऑफ यूनिटी जाने के लिए। तो आई विल हाईली रिकमेंड ट्रेन, क्योंकि ट्रेन फर्स्ट ऑफ ऑल चीपेस्ट है एंड ये एक स्पेशल ट्रेन जाती है फ्रॉम दादर टू केवड़िया एक्सप्रेस। बाय द वे केवड़िया स्टेशन का नाम था पहले, बट एट प्रेजेंट गवर्नमेंट ने चेंज करके उसको एकता नगर कर दिया है। और ये दादर स्टेशन से स्टार्ट होती है, इसका टाइमिंग है फ्रॉम दादर 11:50 और ये बोरोवली 12 बजे पहुँचेगी। तो या हम बोरोवली से ट्रेन ले रहे हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग हमें एकता नगर 7:25 को ड्रॉप करेगी। एंड रात का समय है, आई विल हाईली प्रीफर स्लीपर इंस्टेड ऑफ प्रेफरिंग सेकेंड सीटर। इवन दो सेकेंड सीटर का प्राइस है 185, बट इट्स बेटर टू टेक कन्वीनियंट राइड। तो फाइनली हमने ट्रेन ले लिया है, बट यू नो ट्रेन में आने से पहले एक ट्रेजेडी हो गया। लाइक ट्रेन के बोर्ड पे लिखा था इंदौर, सो एवरीवन गॉट कंफ्यूज दैट ये केवड़िया जा रही है कि इंदौर जा रही हूँ। वेल, हमने वडोदरा स्टेशन क्रॉस कर दिया है और हम 7:25 को एकता नगर स्टेशन पहुंच जाएंगे। इफ़ यू गाइज आर प्लानिंग टू कम ना, सो मेक श्योर दैट डू कैरी स्वेटर बिकॉज यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी कूल है, लाइक बहुत ठंड है। सो फाइनली हम एकता नगर स्टेशन पहुंच गए हैं। एट प्रेजेंट हो रहा है 7:30 एंड इट्स ऑन टाइम। अब हम जाएंगे वॉशरूम, यहां से फ्रेश होंगे और फिर निकलेंगे बस लेने। आप यहां पर अपना ड्रेस चेंज कर सकते हो और इवन फ्रेशन अप हो सकते हो, ये काफ़ी वेल मेंटेन्ड होता है। सो फाइनली हम एकता नगर आ गए हैं और बाहर निकल गए हैं, रेडी भी हो गए हैं। अब प्लीज़ जल्दी से जल्दी वेटिंग रूम में जाके रेडी हो जाना, वरना बस मिस आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हर 15 मिनट्स में बस आती है ओनली फॉर दैट स्टैचू ऑफ यूनिटी। एट प्रेजेंट हो रहा है 8:00 और हमारी बस मिस आउट हो गई है। नेक्स्ट ट्रेन आ रही है 8:35 की, तो जब वो ट्रेन आएगी तो बस भी आएगी, तो हम वो बस लेने वाले हैं क्योंकि हमारा शो तो 10:00 को है। हमने स्मार्टली और वाइजली चूज़ किया था टाइमिंग 10 to 12, तो इन दैट वे अगर हम रेडी भी हो रहे हैं तो यू नो बस तो मिस आउट नहीं होगा या शो तो मिस आउट नहीं होगा। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। हमने एकता नगर स्टेशन से बस लिया और ये बस हमें स्टैचू ऑफ यूनिटी ड्रॉप की। आप मेरे पीछे देख ही सकते हो स्टैचू ऑफ यूनिटी लिखा हुआ। तो ये सर्विस फ्री होती है, आपको कोई टेम्पो या कोई और अदर मोड ट्रांसपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ऐसी गलती ना करना कि कोई प्राइवेट मोड ले लो, जब सर्विस फ्री मिल रही है तो उसका मज़ा उठाओ। तो हम आ चुके हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी और सुबह की शुरुआत फन फैक्ट से ना हो तो मेरे जीवन में कुछ ना कुछ अधूरा सा रह जाता है, क्योंकि मेरा तो फन फैक्ट से ही सुबह की शुरुआत होती है। तो हम बात करेंगे हम फन फैक्ट नंबर 1 की। तो
तो मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर कौन सी एक्टिविटीज़ अवेलेबल है, आप क्या कर सकते हो एक दिन में। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रही हूँ, आप वो लिंक जाइए विजिट कीजिए और मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या सर्विसेज है यहाँ पर। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारे अट्रैक्शन हैं, एक्सप्रेस एंट्री, महाआरती, व्यूइंग गैलरी, जंगल सफारी, पेट जोन, साइकिलिंग, बोटिंग, नर्सरी, ग्लो गार्डन जो कि वन ऑफ द बेस्ट है, एंड और भी काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ हैं। बट हमारा वन डे का ट्रिप है तो बस अभी एंट्री टिकट लेना है, जिसके तीन ऑप्शंस हैं। फर्स्ट एक्सप्रेस, जिसका प्राइस देखे तो 1030 पर पर्सन है। फॉर बजट ट्रैवल ये बहुत ज़्यादा हो गया, मैं 15-20 मिनट लाइन में वेट कर सकती हूँ क्योंकि अब स्लॉट वाइज एंट्री मिलती है तो ज़्यादा लाइन नहीं होता है। नेक्स्ट टू जो है वो है SOU व्यूइंग गैलरी एंड SOU एंट्री टिकट। अगर हम प्राइस वाइज देखें तो एंट्री टिकट का प्राइस है 150 और व्यूइंग गैलरी का 380, विच मीन्स 380 माइनस 150 जो कि होता है 230 रुपीज़ बस व्यूइंग गैलरी के पैसे। अभी के लिए तो मैं व्यूइंग गैलरी के टिकट ले रही हूँ एंड मैं आपको आगे बताऊँगी क्यों मैंने 230 रुपीज़ एक्स्ट्रा स्पेंड किया और ये वर्थ इट है या नहीं। सो लेट्स गो एंड दिस वाज फन फैक्ट नंबर वन। हमारा स्लॉट है 10 o'clock का और अभी हमारे पास टाइम है तो हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो जाते हैं, देखते हैं आसपास कुछ शॉप्स हैं तो कुछ खाते हैं। गुजरात है और गुजराती डिश ना खाए तो मतलब कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता है, तो हमने खमन ढोकला ऑर्डर किया है एंड लेट मी एंजॉय माई ढोकला। एंड इसका कॉस्ट है ₹30, विच इज़ वेरी नॉमिनल राइट एज कम्पेयर टू मुंबई का प्राइस। तो फाइनली हमने एंट्री ले लिया है गेट नंबर 4 से और हमारा स्लॉट का टाइमिंग था 10 o'clock। उससे पहले आपको एंट्री नहीं मिलेगा, तो आपका जब भी टाइमिंग का स्लॉट हो तभी एंट्री लेना। और अब हम जाएंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने। जैसे ही हमने एंट्री मारा, एंट्री देखते ही हमें बहुत अच्छा लगा, लाइक काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया है, चारों तरफ ग्रीनरी है, प्लस एक रैपर तक थ्रो नहीं किया गया है, विच मीन्स इट इज़ वेरी वेल मेंटेन। और यू नो, हम कोई भी न्यू प्लेस पे जाते हैं एक्सप्लोर करने तो हमारा मन बहुत ही हल्का हो जाता है, क्योंकि हम डेली लाइफ से एक न्यू लाइफ में जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी सेम एक अच्छा सा एक्सपीरियंस हो रहा है और प्लस बहुत अच्छी हवा चल रही है क्योंकि ठंड का मौसम है। वैसे चलते चलते अगर आप थक गए हो तो आप यहाँ पर 5-10 मिनट के लिए बैठ सकते हो, क्योंकि हर एक जगह पर बैठने के लिए बनाया गया है। तो ये भी बहुत अच्छी बात मुझे लगी स्टैचू ऑफ यूनिटी की। वैसे यहाँ पर दो लेवल की चेकिंग होती है, एक स्टार्ट पॉइंट पे और एक जैसे ही आप एंट्री करने वाले होंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी डेट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू के लिए। मुझे ये फैसिलिटी काफ़ी अच्छी लगी, लाइक एक्सीलेटर का, आपको उस तरफ चलना नहीं पड़ेगा, आपको एक्सीलेटर से आकर वहाँ तक आपको लेके जाएगा, तो आपको चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये एजेड लोग के लिए बनाया गया है, बट इसका यूज़ तो हम लोग भी यूज़ करते हैं क्योंकि हम आखिर में आलसी ठहरे। ऐसा लग रहा है चलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बस खड़े हो जाओ आपको पहुँचा दे रहा है एक्सीलेटर। कितना सही है ना, आपके चलने का टाइम बच जा रहा है। आप लोग ही सोचो, अगर दूर से ये इतना बड़ा दिख रहा है तो पास से कितना बड़ा होगा। एंड ट्रस्ट मी, सामने से ये बहुत ही ह्यूज लग रहा है। तो मैं आ गई हूँ व्यूइंग गैलरी की तरफ और एट प्रेजेंट हो रहा है 10:30, तो मेरा स्लॉट था 10 to 12, तो मुझे 10 to 12 के बीच में व्यूइंग गैलरी में जाना है। तो अभी मैं जाऊंगी व्यूइंग गैलरी की तरफ। पर आपको पता है, यहाँ पर जिनको हिस्ट्री का बहुत इंटरेस्ट है और जिनको गाइड सर्विस चाहिए, यहाँ पर फ्री में मिलता है, बट वो सिर्फ उनके लिए है जो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे। और यहाँ पर टोटल 35 लोगों को एक्सप्लेन किया जाता है, लाइक अगर आप 35 के ग्रुप में हो या फिर अलग अलग 35 लोग हैं तो उनको फ्री सर्विस मिलता है। बट मैं तो नहीं लेने वाली हूँ क्योंकि मुझे व्लॉग भी शूट करना है और मुझे थोड़ा हिस्ट्री के बारे में पता है।
जिस तरह से फेस एंड बॉडी बनाया गया है, आई रियली वॉन्ट टू सैल्यूट द आर्किटेक्चर एंड ईच एंड एवरी पर्सन इन्वॉल्व इन दिस मेकिंग। अब जो स्क्रीन पे वीडियो प्ले होते हुए देख रहे हो, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू कैसे बनी है ये बताया जा रहा है। वेल, अगर आपके पास काफ़ी टाइम है तो आप यहाँ पर मूवी भी देख सकते हो, यहाँ पर थिएटर भी है, तो ज़रूर एंजॉय करना मूवी भी। सो टोटल आपको यहाँ पर दो थिएटर देखने मिलेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई थी और इसे सितंबर 2017 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। तो अभी हम जा रहे हैं 45th फ्लोर पे और अब हमें लिफ्ट लेना होगा और विद इन 30 सेकेंड हम पहुंच जाएंगे 45th फ्लोर पे। और जिस लिफ्ट से आप ऊपर आए हैं, आपको 38 सेकंड में 45 फ्लोर के ऊपर आए हैं। हाई स्पीड एलिवेटर है, इसलिए आपको पता नहीं चला कितने जल्दी ऊपर आ गए। तो अब बात करेंगे फन फैक्ट नंबर 2 की। अब मैं आपको बताती हूँ इस स्टैचू के कुछ फेमस फैक्ट्स इन फन फैक्ट 2। स्टैचू ऑफ यूनिटी की टोटल हाइट है 182 मीटर, जिसका अंदाज़ा लगाने के लिए बता दूँ ये फेमस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के 2 टाइम्स से भी ज़्यादा बड़ा है। और 182 मीटर इसलिए है क्योंकि गुजरात में टोटल विधानसभा सीट है वो 182 है। ये स्टैचू नर्मदा नदी के किनारे बनाया गया है और सबसे खास बात ये है कि इस स्टैचू को बनाने के लिए 3.5 साल लगे। जा रही हूँ व्यूइंग गैलरी से, अब यहाँ पर मुझे विजिट करना है सन ऑफ सॉइल, उसके बाद हम जाएंगे बस स्टॉप की तरफ। वहाँ से टिकट में सर्विसेज इंक्लूडेड होता है जो कि है नर्मदा डैम एंड वैली ऑफ फ्लावर की तरफ लेके जाती है। आपको मेरे पीछे देखकर ऐसा लगेगा कि मैं एट प्रेजेंट लाइब्रेरी में हूँ, बट ऐसा नहीं है। ये पूरा जो है ना फेक है, ये पेंटिंग है। इट्स लाइक यू नो इल्यूजन कि हमें ऐसा देख के लगेगा कि ये बुक है, बट काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है। एंड यू नो दिस चेयर, इवन दिस इज नॉट मूवेबल। यहाँ पर वॉशरूम और पानी पीने के लिए भी फैसिलिटी है और ये भी वेल मेंटेन्ड है। तो हमने व्यूइंग ऑफ गैलरी का एक्सपीरियंस कर लिया है और हम बाहर आ चुके हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था बिकॉज वो 45th फ्लोर पे था एंड इट वाज लाइक रियली ब्यूटीफुल, क्योंकि पूरा सरोवर डैम, पूरा वैली, सब कुछ दिख रहा था। और अब हम आ गए हैं बाहर। वैसे मैं आपको पता है, मैंने पूछा था एक क्वेश्चन कि अगर आपको टिकट लेना रहेगा 180 और 380, तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगी कि आप 380 का टिकट लेना, क्योंकि वो वन टाइम एक्सपीरियंस होगा। आप वापस तो स्टैचू ऑफ यूनिटी नहीं आओगे, तो डेफिनेटली वो जाके 45th फ्लोर पे पूरा देखना वो भी तो एक अलग एक्सपीरियंस है। तो आई विल हाईली सजेस्ट कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो पूरे वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट है, यहाँ पर आके देखना तो बनता है। और अब हम जा रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो हमने एंट्री फी था ना जो 380 में इंक्लूडेड था, वो देखने जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं। My camera is not able to justify how big it is. Trust me, it is so big, so big. At present, मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू के पास खड़ी हूँ and it is so grand and so big. Like मुझे ऊपर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे उनका face नहीं दिखाई दे रहा है, खाली मुझे उनकी हाथ दिखाई दे रही है and this place is really worth coming. मेरी हाइट इतनी छोटी है कि मैं उनके शू के सोल तक नहीं आ पा रही हूँ। लाइक आप सोच ही सकते हो कि फिर ये कितना बड़ा होगा अगर मेरी हाइट यहाँ तक नहीं पहुँच रही है तो।
अच्छा एक्सपीरियंस था। अब हम जा रहे हैं खाना खाने। अब हम यहाँ से निकलेंगे और बस स्टॉप पे जाएंगे, जो कि फ्री सर्विस बस है, और उसके बाद हम जाएंगे सरोवर। पहले हम खाना खाएंगे क्योंकि लगी है भूख। जैसे ही आने के लिए सर्विस है एक्सीलेटर, वैसे ही जाने के लिए भी सर्विस है एक्सीलेटर। ये सर्विस मुझे काफ़ी अच्छी लगी। लाइक जेन्युइनली अब डेढ़ दो घंटा चल चल के तो डेफिनेटली थक जाओगे, तो इट्स बेटर ना कि एक्सीलेटर का बेनिफिट लिया जाए जब सर्विस इंक्लूडेड है, सब कुछ इंक्लूडेड है। हमने चने कुलचे ऑर्डर किए हैं, इसका कॉस्ट है 200 रुपीस, एंड मुझे काफ़ी भूख लगी है क्योंकि हमने ऑलमोस्ट दो घंटा ट्रैवल किया, दो घंटा वॉक किया है, बहुत भूख लगी है। और जब हम थक जाते हैं ना, जो पहला जाता है ना, बहुत टेस्टी होता है, इवन दो अच्छा बना हो या ना बना हो, क्योंकि वो थकान से भूख लगती है ना। आप जो सिटिंग अरेंजमेंट देख रहे हो वो प्रोजेक्शन मैपिंग के लिए है। ये दो जगह होता है, एक है SOU कैंपस में, एक एलीपैड ग्राउंड में। एट प्रेजेंट मैं SOU कैंपस में ही हूँ। ये 6 o'clock को शो होता है, तो हम 6 o'clock को शो देखेंगे। आपको स्टॉप नंबर 10 से बस लेना होगा। अभी हम जा रहे हैं सरोवर डैम, और ये बस सर्विस फ्री होती है। एट प्रेजेंट है हम सरोवर डैम में। आप लोगों को तो पता ही होगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने में सिर्फ 3 साल लगा, वेरस सरोवर डैम में मोर देन 56 ईयर्स लगा, क्योंकि यहाँ पर नर्मदा नदी को लेकर हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर को लेकर लड़ाई होती रही है। इस डैम के हर एक गेट को क्लोज करने के लिए मोर देन 1 आवर लग जाता है। शायद से आप इसके साइज को देख के खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ह्यूज है ये डैम। आफ्टर एक्सप्लोरिंग सरोवर डैम, अब हम आ गए हैं वैली ऑफ फ्लावर, क्योंकि 380 रुपीज़ टिकट में इंक्लूडेड है दो सर्विस। फर्स्ट आपको सरोवर डैम, एंड सेकेंड है वैली ऑफ फ्लावर। तो अभी हम एक्सप्लोर करेंगे वैली ऑफ फ्लावर। और पता है मुझे यहाँ से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैचू भी दिख रही है, तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो चलो चलते हैं। वैसे अभी एट प्रेजेंट हो रहा है 3 o'clock, और हमने स्टैचू ऑफ यूनिटी एक्सप्लोर कर लिया है, वैली ऑफ फ्लावर एक्सप्लोर कर लिया है, और सरोवर डैम। अब देखते हैं हम क्या एक्सप्लोर करेंगे। मुझे तो काफ़ी वर्थफुल लग रहा है कि आप एक दिन में अगर सब कुछ एक्सप्लोर कर ले रहे हो एकता नगर आके, और काफ़ी कुछ अच्छा देखने मिल जा रहा है, तो और क्या चाहिए आपको। यूनिटी ग्लो गार्डन 7 o'clock को ओपन होता है शाम को। जस्ट ऑपोजिट टू वैली ऑफ फ्लावर है जंगल सफारी, जिसका कॉस्ट है 200 रुपीज़। तो हम जा रहे हैं जंगल सफारी की तरफ। हम जंगल सफारी गए। पहले हमें नाम सुन के ऐसा लगा कि जंगल सफारी मीन्स ओपन जीप में आपको लेके जाएंगे, एनिमल की टूर कराएंगे, बट ऐसा नहीं है। इसको प्रिजर्व करके रखा गया है, और आप जाके देखोगे, जैसे कि मुंबई में रानी बाग है, सेम यहाँ पर है, उसको नाम दे दिया गया है जंगल सफारी। सो मैंने इसलिए अवॉइड किया 200 स्पेंड करने के लिए, बिकॉज मुझे ये वर्थ इट नहीं लगा। इससे अच्छा का मुझे देखना रहेगा, मैं रानी बाग चले जाऊँगी, तो अब आगे जाऊँगी रेस्ट करूँगी। हमने एक घंटा रेस्ट किया, अब हम जा रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ, क्योंकि हमारा 6 o'clock का शो है।
प्रोजेक्शन और लेजर शो के लिए 51 हाई रेजोल्यूशन प्रोजेक्टर यूज़ किया जाता है, जो स्टैचू से 600 मीटर की दूरी पर होता है। यहाँ पर आपको आयरन मैन ऑफ इंडिया डेट इज़ सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टोरी और उनके कहानियों के बारे में बताया जाता है। तो हमारी आज की लास्ट एक्टिविटी बची है, जो कि स्टार्ट होगा 6:45 को। एक्चुअली जब हमने ऑनलाइन टिकट बुक किया था, टिकट के अंदर ही सर्विस प्रोवाइड होता है कि आपको अंदर बैठने के लिए मिलता है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास लक नहीं था और हमें सीट नहीं मिली। तो हमें ना, हमने लोगों से पता किया कि आप कैसे देख सकते हो वो शो। तो द बेस्ट वे है कि जहाँ पर आपकी बस ड्रॉप करेगी वहीं सर आपको ये शो देखना होगा। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू, यहीं से हमें ये शो देखेंगे एट 6:45। सेवन फाइव को शो ख़त्म हो जाता है और अब हम जा रहे हैं बस स्टॉप की तरफ। वैसे बहुत क्राउड हो जाता है बस स्टॉप की तरफ, क्योंकि SOU कैंपस से भी लोग आ रहे हैं और हेलीपैड से भी आ रहे, तो आप जल्दी से जल्दी बस ले लेना। और अब हम जा रहे हैं स्टेशन की तरफ। सो फाइनली हम स्टेशन पहुंच गए हैं। 7:05 को लेज़र शो ख़त्म हो गया था और हमने तुरंत बस लिया, क्योंकि बहुत लंबी लाइन हो चुकी थी बस स्टॉप पे और हमें स्लॉट तो मिला नहीं था सिटिंग एरिया में। तो लकीली हमें बस टाइम पे मिल गई, क्योंकि जो सिटिंग एरिया वाले अभी तक बाहर नहीं निकले थे। और हमने बस ले लिया और आ गए हैं स्टेशन पे। अब हम यहाँ से 9:25 की ट्रेन लेंगे, जो हमें नेक्स्ट मॉर्निंग पहुँचा देगी दादर या फिर अपने डेस्टिनेशन पे। तो आगे देखते हैं, अभी तो लगी है भूख, तो हम कुछ ऑर्डर करने जा रहे हैं। सो फाइनली हमने ट्रेन ले लिया है और ये लग चुकी है, बट इसका टाइमिंग है 9:25 को, तो ये 9:25 को स्टार्ट होगी। और अभी फ़िलहाल तो पूरी ट्रेन खाली है, क्योंकि हम पहले चढ़ गए एक घंटे पहले ही। सो आई होप आपको अच्छा लगा हो मेरा व्लॉग। और हाँ, यहाँ से मैं अपना बजट प्रेजेंट कर रही हूँ। सो बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड गेट वैक्सीनेटेड।